चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। इतिहास टॉपिक में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी आपके नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोहों के बारे में। आज बात करेंगे हम लोग आदिवासी विद्रोहों के बारे में। याद रखिए, आपके जितने भी लेक्चर बनेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित, फिर चाहे आपके हिस्ट्री के हों या जियोग्राफी के हों या फिर पॉलिटी के हों या इकोनॉमिक्स के हों, जो भी होंगे वो सभी एक जगह डले रहेंगे। वो है आपकी अपनी सामान्य ज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट सूची। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं आदिवासी विद्रोहों के बारे में। ये आपके आंदोलनों के नाम हो गए, ये वर्ष हो गए जिस वर्ष में हुए, ये प्रभावित क्षेत्र जिस क्षेत्र में ये हुआ, ये इसके नेतृत्वकर्ता हो गए और ये कारण जिस कारण से हुआ है था ये विद्रोह। तो सबसे पहले बात करते हैं भील आदिवासी द्वारा किया गया विद्रोह। ये हुआ आपका 1812 से 19 तक, फिर आपका 1825 में हुआ, फिर 1831 में और 1846 में। ठीक है, ये हुआ था आपका, इससे प्रभावित क्षेत्र था खानदेश। कौन सा था? खानदेश। इसके नेतृत्वकर्ता थे त्रम्बकजी दांगलिया ने भीलों को उकसाया था, और 1825 में सेवरम द्वारा नेतृत्व किया गया इसका। इसका कारण था इस विद्रोह का कि कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार से भय इस विद्रोह के कारण का मुख्य कारण था। ठीक है, फिर आया आपका हो विद्रोह, हो जनजाति विद्रोह। ये 1820, फिर 1822, 1831, 1832, 1837 में हुआ। इससे प्रभावित क्षेत्र आपका सिंहभूमि छोटा नागपुर। इसके विद्रोह का कारण था सिंहभूम पर अंग्रेजों का अधिकार। फिर आपका आया खासी विद्रोह। कौन सा? खासी विद्रोह, 1829 से 1833 तक, 1829 से 1833। इसका क्षेत्र प्रभावित था इससे असम मेघालय के पहाड़ी क्षेत्र। इसके नेतृत्वकर्ता थे तीरथ सिंह वरमानिक। वरमानिक, इसके होने का कारण था अंग्रेजों द्वारा एक सैनिक मार्ग के निर्माण की योजना तथा अंग्रेजों एवं बाहरी लोगों का अतिक्रमण। फिर हुआ आपका सिंगपो विद्रोह। ये हुआ आपका 1830 से 39 के बीच। इससे प्रभावित क्षेत्र था आपका असम। अंग्रेजों द्वारा अतिक्रमण किया गया, इसी कारण हुआ था। फिर हुआ आपका कोल विद्रोह। याद रखना, इस विद्रोह में पूछा जाता है कि कोल विद्रोह कब हुआ, तो आपको बता देना है जैसे 1831-32 में। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, तो आपको बता देना है छोटा नागपुर झारखंड। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आपको बता देना है बौद्ध भगत गोमधर कुंवर। ठीक है, और इसका कारण क्या था, तो आपको बता देना है इनकी भूमि इनसे छीन कर मुस्लिम कृषकों एवं सिखों को दे दी गई थी, इसी कारण हुआ था। फिर आते हैं हम लोग कोया विद्रोह। कोया विद्रोह, ये हुआ आपका 1840 में, फिर 1845, 1858, 1861 से 62, फिर 1879-80 में, 1884 में भी हुआ। ठीक है, और 1922-24 में हुआ, 1922-24 में, 1924 तक। ठीक, इसका इससे प्रभावित क्षेत्र था आपका चोड़ावरम का रंपा क्षेत्र। इसके नेतृत्वकर्ता थे नोमा डोरा, 1879-80 के बीच। कारण था इसका कोया एवं कोंडा डोरा मुखियों ने अंग्रेजों के साथ समझौता किया था, इसी कारण हुआ। फिर दूसरे थे आपके नेतृत्वकर्ता राजन अनंतया 1884 में, और फिर आपके अल्लूरी सीताराम राजू। इसके जब ये नेतृत्वकर्ता थे राजन अनंतया, तो इनके समय क्यों हुआ था, एक कारण समझौता करने पर कोया एवं कोंडा डोरा मुखियों ने अंग्रेजों के साथ समझौता करने पर अपने स्वामी के विरुद्ध 1862 तक विद्रोह किया। 1879 में मनसबदार ने लकड़ी एवं चराई पर कर बढ़ाने की कोशिश की,
और झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। और आपको पता होगा झूम खेती आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। ठीक है, फिर अगला विद्रोह है हमारा कौन सा है, खोंड विद्रोह। ये हुआ 1846 से 48 के बीच और फिर हुआ 1855 1914 में। इसका क्षेत्र था खोंडमाल उड़ीसा। इसके नेतृत्वकर्ता थे चक्य बिसोई। इसका जो कारण था होने का, अंग्रेज प्रशासकों द्वारा खोंडों की पिछली नर बलि की प्रथा मैरिया को रोकने का प्रयास किया गया, इसी कारण हुआ। फिर है आपका सवार विद्रोह। ये हुआ 1856-57 में। इसका क्षेत्र था पालिया खेमदी। इसके नेतृत्वकर्ता थे राधा कृष्ण दंड सेना। इसका कारण था अंग्रेजों के अनुसार इस आंदोलन का चक्की बिसाई के साथ संबंध था, इसी कारण हुआ था। फिर है आपका संथाल विद्रोह 1855-56 में। इससे प्रभावित क्षेत्र थे आपके प्रभावित राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड। इसके नेतृत्वकर्ता थे इस विद्रोह के सिद्धू और कान्हू। इसके शुरू होने का कारण था, शुरू में यह विद्रोह महाजन एवं व्यापारियों के खिलाफ था। बाद में पुलिस, गोरे काश्तकार, रेलवे अभियंता और अधिकारियों के खिलाफ हो गया था। फिर है आपका खैरवाड़ एवं सफाहार विद्रोह। ये आपका 1870 के दशक में हुआ। इससे प्रभावित क्षेत्र थे राजमहल की पहाड़ियाँ। इसके नेतृत्वकर्ता थे भागीरथ। शुरू में एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, बाद में राजस्व बंदोबस्त के विरुद्ध अभियान था। फिर था आपका नायकड़ा 1858 से 68 के बीच हुआ, पंचमहल गुजरात में। इसे प्रभावित क्षेत्र, इसके नेतृत्वकर्ता थे आपके रूप सिंह जोरिया भगत। इसके होने का कारण था, नायकड़ा वन्य जाति द्वारा सहस्त्रवाद में आस्था धर्म राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। फिर आपका कच्छा नागा विद्रोह। कच्छा नागा विद्रोह 1822 में हुआ, कछार असम में। इसके नेतृत्व करते थे शंभुदान। जादूगर शंभुदान को विश्वास था कि इसके अनुयायियों को गोली भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। फिर हुआ आपका मुंडा उलगू, उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं इसे। मुंडा विद्रोह को क्या कहते हैं, उलगुलान। ये आपका हुआ 1999 से 1900 के बीच। इससे प्रभावित क्षेत्र था आपका छोटा नागपुर झारखंड। इसके नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। इसका कारण था भू स्वामियों के विरुद्ध। फिर है आपका भील विद्रोह। भील जनजाति द्वारा विद्रोह किया गया जो 1913 में। इससे प्रभावित क्षेत्र थे आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये राजस्थान प्रभावित क्षेत्र है। इसके नेतृत्वकर्ता था गोविंद गुरु। शुरू में शुद्धि आंदोलन पर, बाद में भील राज्य स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था इसके कारण। फिर हुआ आपका उरांव विद्रोह 1914 से 15 में। इससे प्रभावित क्षेत्र था छोटा नागपुर झारखंड। इसके आपके नेतृत्वकर्ता थे जतरा भगत। शुरू में यह आंदोलन एकेश्वर प्रवृत्ति का था, पर बाद में अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना इसका उद्देश्य बन गया था। फिर आपका कूकी विद्रोह कौन सा, कूकी 1917 से 19 के बीच। यह हुआ आपका मणिपुर में, मणिपुर इससे प्रभावित क्षेत्र था। इसके जो आपके नेतृत्वकर्ता थे रोंगमेई जदोनांग एवं रानी गेडन लीव थी नेतृत्वकर्ता। इसका कारण था ब्रिटिशों द्वारा ओछे कार्य के लिए आदिवासियों को भर्ती करने का प्रयास पोथांग एवं झूम खेती बंद करने के विरोध में हुआ था। ठीक है, तो ये आपके थे प्रमुख आदिवासी विद्रोह।
आगे हम लोग बात करेंगे आपके किसान आंदोलनों के बारे में, ठीक है।